भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अच्छे लोगों की परीक्षा बार बार तो लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते और बुरे लोगों को बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका कभी साथ नहीं देते। अगर आप अपने बीते हुए कल को याद करके परेशान रहते हैं, कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। इस जीवन में जब कोई आपके बारे में बुरा कहे तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं आता। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी होता है, एक श्री कृष्ण का जो ना लड़े फिर भी आपकी कर दे, दूसरा कर्ण का जो हार सामने हो फिर भी आपका साथ ना छोड़े। जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, वैसे ही माता और पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए झुकना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मानव को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में विचार हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, परंतु वो पीसती बहुत ही बारीक है, इसलिए इससे बच पाना मुश्किल होता है। आप करते वही हैं जो आप चाहते हैं, होता वही है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। आप वही करो जो श्री कृष्ण चाहते हैं, फिर होगा वही जो आप चाहते हैं। पूरी दुनिया में जुबान ही एक ऐसी वस्तु है जहां पर विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। आप पर निर्भर करता है कि आप किसका प्रयोग करते हैं। अगर कोई मनुष्य शिक्षा से पहले अपने संस्कार, व्यापार से पहले अपना व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उन्हें कोई उधार ले सकता है, इसे खुद बनाने पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो सबकी सुनता हूँ, पर मेरा कौन सुनता है। मनुष्य गलत कार्य करते समय बाएं, दाएं, आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य विजय और पराजय की भावनाओं से परे होता है, वह दूसरों की विजय में भी आनंद का अनुभव अवश्य करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो स्वार्थ से रिश्ते बनाने की, वो कभी नहीं बन पाते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश कर लो, वो कभी नहीं टूटते। जन्म लेने वाले के लिए मौत उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अनिवार्य है उस पर कभी शोक मत करो। हमें कभी उस मनुष्य पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। पानी में रहने वाली मछली जंगल में कभी नहीं दौड़ सकती और जंगल का राजा शेर कभी पानी का राजा नहीं बन सकता, इसलिए महत्व सभी को देना चाहिए। सब कष्ट और पीड़ा दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा संदेह है। असल में सच्चाई यह है कि हम मन को प्रसन्न रखें तो सब कष्ट और पीड़ा अपने आप दूर हो जाएगी। विश्वास अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वो आपकी कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के धोखे को एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, मगर दोबारा उसी मनुष्य पर भरोसा करके आप खुद बेवकूफ कभी मत बनो। मनुष्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो, परंतु उसकी छाया सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी होती हैं जो अपने भीतर प्रसन्नता को संभाल कर रखता है, अर्थात हमेशा खुश रहता है। कभी भी स्वयं पर अहंकार मत करना, क्योंकि पत्थर भारी होकर भी पानी में अपना वजूद खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों और जीवों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना ही अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं
वो मेरे अंदर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। सबके साथ इस तरह का व्यवहार करो। अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना कर सके। समय जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, एक दिन बदलता जरूर है। अपने अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत कार्य मत करो कि आपके बुरे वक्त में अपने लोग ही आपका साथ छोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया जो तुम इतने दुखी होते हो? तुम क्या लेकर लाए थे जो तुमने अभी खो दिया? तुमने क्या निर्माण किया था जो अभी खत्म हो गया? तुम कुछ भी लेकर नहीं आए हो, जो लिया इसी संसार से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया भगवान से लिया, जो दिया भगवान को ही दिया। फिर दुख किस बात की? भगवान हमें कभी दंड नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें दंड देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझकर ही करना चाहिए। यदि आप किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में नासमझ लोग ज्ञानियों से कुछ भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी व्यक्ति नासमझ से सब कुछ सीख लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब यानी स्वार्थ होता है वहां प्रेम ही कहां होता है। हद से ज्यादा सीधा स्वभाव होना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। अहंकार में तीनों गए, धन सुख शांति और वंश, यकीन न हो तो रावण कौरव और कंस को देख लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, आपके भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह आपका आखिरी जन्म है। इसलिए मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। अच्छी तकदीर के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी तकदीर के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भी भगवान का स्मरण और धन्यवाद अवश्य करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, आग जला नहीं सकती और जल बुझा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, अर्थात आत्मा अजर और अमर है। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी पराजित नहीं होने देता और नफरत एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपका कदर नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहे। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वो अपने आप हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मत करो अहंकार। किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू उसे दे रहा है या पिछले जन्म का ऋण चुका रहा है। परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। अगर कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, परंतु कल वो किसी और का होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जो चाहे वो बन सकता है, परंतु उसे आत्मविश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करना होगा। अहंकार करने पर मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों का नाश हो जाता है। जिंदगी के इस युद्ध में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी के महाभारत को लड़ना पड़ता है। जिंदगी को हमेशा खुश रहकर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि जिंदगी के कितने पल बाकी हैं। मुझे परवाह नहीं कि संसार क्या कहता है, पर मुझे ये पता है कि मेरा कृष्ण मुझे अपना कहता है। अगर आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं, तो आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं। मौन रहना अच्छा ही है, परंतु जब अन्याय हो रहा हो तब नहीं। दूसरों के साथ कभी ऐसा व्यवहार न करें जो आपको अपने लिए नापसंद हो। बातें इतनी मधुर रखें कि कभी वापस भी लेना पड़े तो खुद को कड़वा न लगे।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिसको तुम अपना समझकर लीन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे कष्ट का कारण है। आपके आचरण और व्यवहार में धीरता होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी भी पौधे को लगातार भी सींचता रहे, तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का आदर्श न देना पड़े। भगवत गीता में लिखा है कि निराश मत होना, क्योंकि कमजोर तेरा समय है तू नहीं। स्वार्थ जीवन का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। इस पूरे संसार में असंख्य कीमती वस्तुओं के होने के बावजूद भी हर किसी व्यक्ति के जीवन में मित्रता का एक बहुत मूल्यवान रिश्ता होता है। जिंदगी में आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताब पढ़ ले, कितने भी अच्छे अच्छे ध्वनि सुन ले, परंतु जब तक आप उनको अपने आचरण में नहीं लाते, तब तक उनका कोई फायदा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारी राह देख रही होती है। इस संसार में कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं आपको फल देता है। हमें जीवन में हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य सदा पहाड़ों से नहीं, छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। महानता वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना कठिन नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन फल प्राप्त करने में नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे जानने का केवल सिर्फ एक ही उपाय है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता है, ना कोई समझ सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, भविष्य का दुख वर्तमान के सुख को समाप्त कर देता है। इस संसार में श्रेष्ठता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक श्रेष्ठता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में खुश और सुखी रहेंगे। जो अंत समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। शरीर जल से पवित्र होता है, तो मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। मनुष्य अपना वो चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर आत्मा को सजाने का प्रयास कभी नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। जब जीवन में बुरा समय आए, तब समझ लेना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। क्या हमेशा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपत्ति इसलिए आई क्योंकि वक्त आने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। बहुत सहनशीलता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह को माफ करने में किसी को समय नहीं लगता, पर दिल को माफ करने में संपूर्ण जीवन बीत जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर दुखी होता है। वक्त कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, बस हम वक्त के साथ चलना छोड़ देते हैं। जब मानव को अपने धर्म पर गर्व हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता। यह सच बात है कि भूल करके मनुष्य कुछ सीखता है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि मनुष्य जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम अभी भी सीख रहे हैं। इस संसार में हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। हमें कार्य करने के साथ साथ हमेशा कुछ वक्त का विराम लेना चाहिए ताकि स्वयं के बारे भी कुछ सोच सकें। श्री कृष्ण कहते हैं,
सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख या कष्ट न पहुँचे, यह तो हमारे हाथ में ही है। कभी भी अपनी सफलता का रौब अपने माँ बाप को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन हार कर आपको जिताया है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मानव अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े पहन लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का सबसे अच्छा तोहफा समय है, क्योंकि जब आप किसी को अपना समय देते हैं तो आप उसे अपने जीवन के वह पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का अर्थ सिर्फ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ अपना समर्पण करना होता है। जिंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। जय श्री कृष्णा। जिंदगी में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं और भगवान की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम है। जानने की शक्ति और झूठ को सच से अलग करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। फल की कामना छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। संकट के समय काम आने वाला मित्र कहलाता है। सुख में तो सभी साथ देते हैं, पर दुख का साथी ही सच्चा मित्र कहलाता है। ऐसे मित्र हमेशा नहीं मिलते। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरा प्रेम राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो गया रुक्मणी का। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना संसार के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर लीन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे कष्ट का कारण है। जीवन में उन पर विश्वास मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए, विश्वास उनका करो जिनका ख्याल तब भी वैसा रहे जब आपका वक्त बदल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को निभाने के लिए समय निकालिए, कहीं ऐसा न हो जब आपके पास समय हो तो रिश्ता ही न बचे। इस संसार में घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर बुरा वक्त तो आपके कर्म ही ठीक कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर खुद किसी की पसंद बन जाना ये बहुत बड़ी बात है।